नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच द्विपक्षीय वार्ता कल दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं पाक विदेश सचिव, सम्मेलन के बाद होगी मुलाकात। उत्तराखंड के मसले पर संसद में हंगामा, लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गैर बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने में जुटी है सरकार, कांग्रेस को राजनाथ सिंह का जवाब, कांग्रेस के आंतरिक कलह का नतीजा है संकट। बजट सत्र के पहले दिन कई सांसदों ने किया ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन, ऑड डे पर इवन नंबर की गाड़ी लेकर पहुंचे संसद, पूछने पर परेश रावल ने मांगी माफी। कन्हैया के समर्थन में अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कन्हैया को देशद्रोही कहना गलत, उसे किसने चर्चित किया, सोचने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच 49 सीटों के लिए हो रहा है मतदान, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। चीन के आतंकी डॉलकनिसा केस में भारत का यूटर्न, विदेश मंत्रालय ने रद्द किया वीजा, चीन ने जताई थी आपत्ति। सीरिया में ड्रोन अटैक में मारा गया आईएसआईएस रिक्रूटर, भारत में एफबी से करता था आतंकियों की भर्ती, बगदादी का खास था शफी अरमान। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार।